Good morning, students. I hope you all are good at home and enjoy your online classes. Today we start chapter number 6, triangle and its properties. So let's see chapter 6, triangle and its properties. In this chapter we learn definition of triangle, okay, some terms related to triangle, that is altitude, median, okay, and some properties related to triangle, that is fastest angle, some property, second exterior angle, some property, third isosceles triangle, some property, next conditions that form a triangle, okay, condition of triangle, it means a relation between sides that can make a triangle, okay, and next Pythagoras. So in this chapter we learn about some these points, okay, these are keywords of this point, mind map. Okay, so let's start from this definition. What is the definition of a triangle? A triangle is a simple closed curve which made up of three sides. ओके थ्री साइड्स का जो क्लोज कर्व होता है, जो क्लोज पॉलीगन होता है, वो हमारा ट्रायंगल होता है. ओके सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व और पॉलीगन, विच मेड ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट. ओके जो थ्री लाइन सेगमेंट का क्लोज कर्व होता है वो हमारा ट्रायंगल होता है, एंड ट्रायंगल की शेप यही होती है हमारे पास, ए बी सी. अ ट्रायंगल हैविंग थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स, थ्री एंगल्स. अ ट्रायंगल हैविंग थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स and three angles. Okay, in this diagram three sides are AB, BC, CA, and three vertex are A, B, C, and three angles are angle A, angle B, angle C, and these angle can be written as angle BAC, angle ABC, and angle BCA. ओके इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस डेफिनेशन. नाउ सम रिलेटेड टर्म्स ऑफ ट्रायंगल, एंड फर्स्ट इज मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, एंड सेकेंड इज एल्टीट्यूड of a triangle. What is median? It is a triangle. Okay, in this triangle from a vertex join the midpoint of opposite side. It means from a vertex join the midpoint of opposite side. Look, if I join this vertex to midpoint of B, it means
midpoint of B is D and I join this. It means this distance and this distance. It means BD equal to DC. Okay. In median, a vertex join opposite midpoint of opposite side. Okay. This is a median. And in altitude, it is a triangle A, B, C. From a vertex, join a line or a perpendicular to opposite side. It means, if I draw a perpendicular in this, and this is point E. Okay, it means AD bisect BC, and in this AE is perpendicular to BC. Okay, now I explain it again. In a median क्या होता है, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो. मिड पॉइंट इट मीन्स अगर ये कंप्लीट बीसी आपकी 6 है तो जहां पे डी ज्वाइन होगा वो 3 पे ज्वाइन होगा. ठीक है, यहां से बीडी 3, ये 3. ओके, तो बी कहां, डी कहां ज्वाइन होगा, 3 पर. तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाती है. एल्टीट्यूड में क्या होता है, अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल डालना है आपको. ओके, सो इन दोनों का डिफरेंस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. इसमें क्या ज्वाइन करते हैं, मीडियन में मिड पॉइंट. आपको याद रखना है, मीडियन में मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं और एल्टीट्यूड में परपेंडिकुलर. ओके, एल्टीट्यूड में परपेंडिकुलर हम डालते हैं. ओके, सो इन दोनों का डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है. मैं इनकी डेफिनेशन लिखूंगी. फर्स्ट मैं आपको कुछ ट्रायंगल्स के बारे में बता देती हूँ, इनमें से कौन कौन से ट्रायंगल्स में ये इक्वल होते हैं और कौन कौन से ट्रायंगल में ये अलग होते हैं. ओके, मैं आपको बता देती हूँ. जैसे लाइक ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, आइसोस्केलियन ट्रायंगल, इसका जो मीडियन होगा वो तो यहाँ होगा. ओके, मीडियन होगा वो तो यहाँ होगा और जो एल्टीट्यूड है वो क्या होगा, यही होगा. ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल लेके इन्हें एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगी. तब तक आप एक बार इन्हें ऐसे बना लीजिए और इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए. मैं इनकी डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूँ, आप एक बार इन्हें यहां तक का नोट करिए, अगली फिर मैं इनकी डेफिनेशन लिखवाती हूँ.